गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट आता है बेस्ट ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, सेकंड है बेस्ट ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड है बेस्ट ऑन द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ है बेस्ट ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेस्ट ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, हम जब वर्बली हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम किसी को बताते वर्बली हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे बोलने के द्वारा या किसी लिख या रिटर्न के द्वारा लिखते हुए, तो वो क्या हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं स्पोकन कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। स्पोकन जब हम बोलते हैं वर्बली, जब हम किसी को बताते हैं, रिटर्न मीन्स लिखते हैं, टेली मतलब हम किसी के द्वारा हम क्या करते हैं टैली करते हैं, ईमेल वगैरह भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं भेजते हैं। सेकंड इसमें पॉइंट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज़ द मोर एक्यूरेट वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये मैसेज को सही जगह ले जाता है। इसमें बिना लैंग्वेज का उपयोग कर लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें लोग सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं, फेस इम्प्रेशन इनके द्वारा क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, मतलब किसी की आवाज़ से भी पता चल जाता है कि उसका मूड कैसा है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी एकॉम्प्लिस्ड बाय द फॉलोइंग मीन्स, जैसे हम किसी को टच कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, कैट गेस्चर, फिजिकल अपीयरेंस, साउंड, साइलेंस, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सेकंड है बेस्ट ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मतलब जो विजिबल हमको दिखाई देता, ठीक है, जैसे इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, या अधिकतर ऑर्डर या रिटर्न होते हैं इनका उपयोग ना अधिकतर कॉलेज और स्कूल ऑफिस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट ऑफ अ हॉस्पिटल विल कम्युनिकेट विथ स्टाफ नर्स थ्रू असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट सुपरवाइजर या वार्ड इंचार्ज नर्स के द्वारा। ये नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट जो है हॉस्पिटल की, वो कम्युनिकेट करती है किसके द्वारा, थ्रू असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट सुपरवाइजर या वार्ड इंचार्ज के द्वारा क्या है, दूसरे स्टाफ के साथ क्या करती है कम्युनिकेट करती है, ठीक है। बी है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें एग्जांपल जैसे किटी पार्टीज या गॉसिप हो गया या चिट चैट हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है। ये क्या होता है, वेरी फास्ट होता है और यूजली टेक प्लेस इन सोशल ग्रुप में लाइक्स फ्रेंड्स फैमिली या पीयर ग्रुप्स एक्सेट्रा, इसमें आते हैं। सी है थेरापेटिक कम्युनिकेशन, थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन अ हेल्थ केयर पर्सनल एंड अ पेशेंट विद द पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द पेशेंट बिहेवियर। इसमें क्या करते हैं, ये क्या होता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन, और इसमें नर्स और पेशेंट का बीच में क्या होता है उनके बिहेवियर, ये इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन हो, इसमें क्या, ये एक कलेक्शन ऑफ द टेक्निक होता है फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ पेशेंट। थर्ड है बेस्ट ऑन द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें फर्स्ट आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इट टेक प्लेस विद इन अ इंडिविजुअल, वी मे आल्सो से
इट इज सेल्फ टॉक। इसमें इस तरह के कम्युनिकेशन में किसी दूसरे व्यक्ति का होना ज़रूरी नहीं होता, इसमें आप खुद से अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप सपने देख रहे होते हैं तो आपके साथ कोई नहीं होता, आप खुद ही मन में क्या करते हो, बात करते हो। ठीक है क्लास। सेकंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें दो लोग शामिल होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशन को क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने मैसेज, अपने आइडिया को दूसरे व्यक्ति के लिए। सी है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इट टेक प्लेस विद द पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन। द पर्पस ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन is to realize selfhood, enhance spiritual answer question that is spiritual in nature। ये क्या करता है, अपना इमोशनल, अपने जो स्पिरिचुअल, वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को बताता है, उस सिचुएशन को क्या करता है, ट्रांस करता है दूसरे जगह ट्रांसलेट करता है। डी है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। An example of a small group communication is when nurse interact with two or more individual face to face use the medium। Patient care, conference, staff meeting and report good example of small group। जैसे कि स्टाफ मीटिंग हो गया, क्या करते हैं, एक छोटे ग्रुप में क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को पहुँचाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको क्या करते हैं, दूसरे नर्स तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जो भी मैसेज रहता है, जो भी हम डॉक्टर्स नर्स को बताते हैं या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बताते हैं, ये क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप में क्या करते हैं, वहाँ डिस्कशन करते हैं, अपने आइडिया, अपने थॉट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक इज जनरली डिफाइन एज लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इसको पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जो लार्ज मतलब पूरे मीडिया वगैरह, मीडिया हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह में क्या करते हैं, अपना कम्युनिकेशन क्या करते हैं, सेंड करते हैं, अपना थॉट, अपने मैसेज को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। और एफ है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इट टेक प्लेस व्हेन इंडिविजुअल ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद द इज्जत ऑफ अचीव एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, अपना ऑफिशियली क्या करते हैं, मतलब अपना जो मैसेज रहता है, हमारा जो मैसेज रहता है, हम दूसरे को क्या करते हैं, अपने आइडिया, अपने थॉट्स क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। एक ऑफिशियली, फॉर एग्जांपल, ऑफिशियल ग्रुप में कॉलेज, ऑफिस। फोर्थ है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन, इट टेक प्लेस व्हेन मैसेज आर डिलीवर्ड टू द ऑडियंस फ्रॉम द कम्युनिकेटर ओनली विदाउट कंस्टेंट फीडबैक। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन इज लेक्चरर डिलीवर्ड इन क्लासरूम। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या करता है, हम सामने वाले को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे लेक्चरर क्लासरूम में जो मैम लेक्चर देती है वो क्या होगा, एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया। वो जो लेक्चरर जो रहती है, मैम जो रहती है, वो क्लासरूम को क्या करती है, जो मैसेज है उसको पहुंचाती है। डी है टू वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, दो लोग क्या करते हैं, अपना जो कम्युनिकेशन रहता है, जो अपना इंफॉर्मेशन, आइडिया, अपने ओपिनियन जो रहता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। वन टू वन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन वन सेंटर एंड वन रिसीवर
at one time term one to one communication. A nurse providing information to a patient is an example of one to one communication. क्या करती है नर्स जो है प्रोवाइड अपना इंफॉर्मेशन क्या करती है पेशेंट को प्रोवाइड करती है. ये क्या हो गया आपका वन टू वन कम्युनिकेशन हो गया. वन टू मैनी कम्युनिकेशन मतलब एक जो पर्सन है वो कम्युनिकेट करता है सम पीपल सब बहुत सारे पीपल को क्या करता है सेम सम टाइम में क्या करता है वो अपना इंफॉर्मेशन देता है. A nurse, for example, a nurse providing health education to community. जैसे एक नर्स है वो क्या करती है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है एक टाइम में वो भी बहुत से लोगों को. ये है मैनी टू वन कम्युनिकेशन. मैनी टू वन कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन सेवरल पीपल कम्युनिकेट विद वन पर्सन एट द सेम टाइम. A panel of experts taking an interview is an example of many one-to-one communication. जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं ठीक है तो बहुत सारे रहते हैं तो एक पर्सन रहता है वो बहुत सारे लोगों को क्या करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है.